नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका माथुर। विकी कौशल की मच अवेटेड फिल्म सैम बहादुर का ट्रेलर रिलीज हो गया है। आई वॉन्ट टू विन की टैगलाइन के साथ विकी कौशल ने सबको हिलाकर रख दिया है। विकी कौशल का गेटअप, उनका वॉक, द वे ही टॉक, सब कुछ उनके किरदार पर मेहनत बयां कर देता है। इस फिल्म में विकी कौशल सैम मानेकशॉ की भूमिका में है। ये फिल्म 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसकी टक्कर रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल से होने वाली है। मेघना और विक्की ब्लॉकबस्टर फिल्म राज्य के बाद दूसरी बार साथ काम कर रहे हैं। फातिमा सना शेख इस मूवी में दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभाने वाली हैं और सैम बहादुर की पत्नी की भूमिका में सान्या मल्होत्रा नजर आएंगी। एक्टिंग की बात करें तो विक्की इस फिल्म के बाद सबको हिलाकर रख देंगे। इस मूवी के ट्रेलर ने जिस तरह से सैम मिनिस्टर से बात करते नजर आ रहे हैं वो बेहतरीन है। 1 दिसंबर 2023 को रिलीज हो रही मूवी सैम बहादुर में मानेकशॉ की कहानी दिखाई गई है कि कैसे उन्होंने आर्मी ज्वाइन की और पाकिस्तान से श्रीनगर से लेकर कश्मीर को बचाने के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया। 2 मिनट 42 सेकंड का ट्रेलर मास्टरपीस है और विक्की की डायलॉग डिलीवरी अमेजिंग है। आपको बता दें, सैम बहादुर भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के जीवन पर आधारित है। सेना में उनका करियर 4 दशकों तक रहा, जिस दौरान 5 युद्ध हुए। वही फील्ड मार्शल के पद पर बने रहने वाले पहले भारतीय आर्मी ऑफिसर थे और उन्होंने 1971 के भारत पाक युद्ध का नेतृत्व किया था, जिसकी वजह से बांग्लादेश बना था। सैम बहादुर में नीरज काबी, एडवर्ड सोनेनब्लिक, रिचर्ड भक्ति क्लेन, साकिब आयुब जैसे भूमिकाओं में लोग नजर आने वाले हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।